अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। माय नेम इज़ मेमूना सजाद। आज हमने स्टार्ट करना है कोर्स एफएससी पार्ट टू मैथमेटिक्स का। इसका हमने करना है चैप्टर नंबर 1, जो कि है फंक्शन एंड लिमिट्स। हमारा टॉपिक होगा आज का डेफिनेशन प्लस एक्सरसाइज 1.1। हम इसकी जो डेफिनेशन करेंगे उसके रिस्पेक्ट उसकी एग्जाम्पल करेंगे या उसकी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहली डेफिनेशन है हमारी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज़ अ रूल डैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन कैपिटल एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट वाई इन कैपिटल वाई। इट मीन्स कि हमारे पास x कोई सेट होगा, कैपिटल सेट होगा और स्मॉल x उसके एलिमेंट से कंटेन करेगा, और इस तरह y भी हमारे पास कोई सेट होगा और स्मॉल y क्या होगा, उसके एलिमेंट्स में से होगा। उसके हर एक एलिमेंट को हम स्मॉल y या स्मॉल x कहेंगे, x और y सेट के। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमारे पास ये नोटेशन होती है फंक्शन की, सच दैट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसको ये पढ़ने का तरीका है। और एक्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई क्या हैं, दोनों यहाँ पे सेट्स हैं। अब नोटेशन आती है फंक्शन की, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इसको ये भी ऐसे भी पढ़ते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको एक और पढ़ने का तरीका है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब हमारे पास यहाँ पे क्या एग्जांपल है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को हम लोग इससे, a अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करें, तो a इज इक्वल टू y आता है और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास फंक्शन की फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल इसकी अब इसको सॉल्व करेंगे सेट्स लेके, एक्स और वाई सेट्स, तो हमने सेट्स ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स सेट लिया है नेचुरल नंबर्स का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसकी मैंने बता दिया कि इसमें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एलिमेंट्स आते हैं, और कैपिटल वाई सेट 1, 4, 9, 6। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक्स सेट है इसमें सारे जो एलिमेंट कहलाते हैं ना वो स्मॉल एक्स होते हैं। कैपिटल एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे हर एक को हम इंडिविजुअली स्मॉल एक्स कहते हैं, और ऐसे ही कैपिटल वाई के जो सारे सेट में एलिमेंट हैं उनको हम स्मॉल वाई कहते हैं। ये भी स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई, इस तरह सारे अप टू सो ऑन ये स्मॉल वाई होंगे। अब हमारे पास क्या एग्जांपल है, ये वाला फंक्शन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है कि एक्स की हमने वैल्यू लेते जाने हैं और उसको हमने इसमें इंसर्ट करते जाना है। मीन्स कि ये हमारे पास सारे एक्स हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 1 हम पहले क्या करेंगे, टेक यहाँ से लेंगे सेट में से एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और फिर हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या ये वाला आंसर आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या होती है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका हमें आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड a क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब हम नेक्स्ट, हमने पहले x इक्वल टू 1 पुट किया, ऐसे ही हम x 2 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी। वैसे ही हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला सेट बनता जाएगा। इसी तरह हम अप टू सो ऑन सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास a की वैल्यूज आती रहेंगी। अब आगे हमारे पास है मैपिंग। मैपिंग पे से कैसे शो करते हैं, मैपिंग में होता है कि हम लोग किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग शो करते हैं, और हमारे पास क्या आता है, इसकी डोमेन और रेंज आती है। यहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल करेंगे, यहाँ से सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इस साइड पे हमने क्या सेट एक्स लिया होता है, यानी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सारी वैल्यूज लिखी होती है, और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास क्या है, वाई सेट, ये हमारे पास क्या होता है, हमारा आंसर होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम देखें एक्स सेट के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक्स की एक्स सेट की वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आएगा,
और यहाँ पे वाई, ये हमारा क्या होता है आंसर, हम इसके एक फल लिया हुआ वाई को, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, इसको एक फल कर देंगे। अब एक्स सेट है, मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे एक्स सेट की लिख दी, और ये सारी क्या है स्मॉल एक्स कहलाती है, और यहाँ पे क्या मैंने सारे वाई के आंसर लिख दिए, यानी ए के सारे आंसर लिख दिए, वाई का सेट सारा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मैंने क्या लिखा है, ए क्या मतलब है इस बात का, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब जिन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, यानी जो हमारी इनपुट होती है उसको हम प्री इमेज कहते हैं, एंड हमारे पास उस इनपुट को पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है उसको इमेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेट हुआ हमारे पास क्या हुआ, इमेज कहलाएगा, और जो इनपुट का सेट है हमें उसको हम उसको प्री इमेज कहेंगे। अब हमने नेक्स्ट करनी है फंक्शन की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट इसकी टू पार्ट्स हैं, ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमें के फंक्शन दे दिया गया है, और बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। अब उन्होंने इसके फर्दर हमें 1, 2, 3, 4 पार्ट्स दिए हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक्स की वैल्यूज दी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज दी हैं, हमने इन वैल्यूज को लाइन वाइज उनको पुट करते जा रहे हैं। अब ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, फर्स्ट पार्ट लिख दिया इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ माइनस टू, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू है, तो मैंने एक्स की जगह यहाँ पे क्या किया, माइनस टू पुट कर दिया। माइनस टू का स्केल लिया तो ये स्केयर माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, तो ये 4 हो गया, और साइन को मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। सेम एज हमने सेकेंड पार्ट को भी ऐसे सॉल्व किया, एफ ऑफ 0 था इक्वल टू मैंने एक्स की जगह क्या किया, 0 पुट कर दिया, और इसको सॉल्व किया तो 0 आंसर आ गया। सेम एज मैंने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व किया है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यहाँ पर हमारा ये पूरा एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो मैंने क्या किया है कि एक्स की जगह एक्स माइनस 1 इंसर्ट कर दी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है, एक्स माइनस 1 का होल स्केयर बनता है, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्केयर, जो कि इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब मैंने इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट मैंने इसको सॉल्व किया है, इसके रिस्पेक्ट मेरा एक्स जो है मेरा ए के इक्वल होगा, एंड 1 मेरा बी के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 2x, इसको सॉल्व करके आता है, और मैं साइन को मल्टीप्लाई कर दूँगी, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास एक्स के माइनस 3x प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस 4, यहाँ पे मेरी पूरी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर प्लस 4 है, तो मैंने एक्स की जगह इस पूरी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है, एक्स स्केयर प्लस 4 की होल पावर है 2, तो यहाँ पे इसके लिए मेरे पास अलग फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब मैं इस फॉर्मूला को इस पे अप्लाई करूँगी, तो ये मेरे पास आंसर आता है एक्स सुपर 4 प्लस 16 प्लस 8x के, और ये इतनी चीज़ क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, साइन माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, माइनस एक्स स्केयर माइनस 4, और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखूँगी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्केयर प्लस 12। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस 4। इसका भी 1 by 1 में 1 वैल्यूज पुट करती जाऊंगी, फंक्शन को पुट करती जाऊंगी, और मेरे पास क्या होगा कि इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, जो कि एफ ऑफ माइनस 2 है, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 2, इसकी जगह पे मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया, तो माइनस 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 2 हो जाएगा। वैसे ही मैंने सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया है, एफ ऑफ 0, एक्स की जगह मैंने 0 पुट कर दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 आंसर आ गया। ऐसे ही मैंने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया है, एक्स माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करके स्केयर रूट एक्स प्लस 3 आ गया। सेम एज मैंने इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व किया है, एफ ऑफ एक्स स्केयर माइनस 4, तो एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, एक्स स्केयर माइनस 4, तो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 3। कल हम इसके बारे में, फंक्शन के बारे में फर्दर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।